Kanchana Vlogs. How are you all? I hope you guys are doing great. So happy Sunday and आज का vlog शुरू करते हैं. आप देख सकते हो मैं कितनी अच्छे से ready हुई हूँ आज. I am looking not really good but yeah little bit of good. So आज का vlog start करते हैं. So आज के vlog के लिए मैंने कुछ special plan किया है. I have planned something special for you guys. A challenge kind of thing. वैसे आज सुबह का मौसम बहुत अच्छा था. आई थॉट आज मैं कहीं बाहर जाऊंगी और आप लोगों को साथ लेके जाऊंगी और व्लॉग करूंगी. बट जैसे ही दोपहर हुई बिल्कुल धूप हो गई और अच्छा नहीं रहा मौसम. सो अनफॉर्चुनेटली मैं कहीं नहीं जा पाई और मुझे घर में ही रहना पड़ रहा है. तो घर में हम क्या कर सकते हैं मैं ये सोच रही थी. फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि हम एक चैलेंज करेंगे एंड इस व्लॉग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे आप लोगों के लिए. सो आइए चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने ले ली है पोजीशन. आप देखो मैंने पोजीशंस ले रही है और ये दो चेयर्स आप देख रहे होंगे मेरे साइड में, ये दो चेयर्स हैं, ये मेरे दो स्पेशल गेस्ट के लिए हैं. थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि आज हम कौन सा चैलेंज करने वाले हैं. सो ये दो गेस्ट जो मेरे चैनल पे आ जाने वाले हैं ये चेयर्स और ये सेटअप उनके लिए है. उससे पहले मैं आप लोगों को एक न्यू फैमिली मेंबर से मिलवाना चाहती हूँ. मेरे घर में कल रात को एक न्यू फैमिली मेंबर आया है. सो मैंने सोचा कि मैं आपको उनके साथ मिलवाती हूँ और दिखाती हूँ. उसके पीछे एक स्टोरी है जो कि कल रात को हुआ और जिसके पीछे जो स्टोरी है उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ था. लाइक मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि लोग ऐसे कैसे करते हैं और क्यों करते हैं यार लोग ऐसे. तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या स्टोरी है. पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि वो न्यू मेंबर कौन है. सो 1, 2 and 3 हियर इज अ न्यू मेंबर इन आवर फैमिली. आप देखो ये लड्डू गोपाल जो है कल रात को 9 बजे के आसपास, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ कल रात को. कल रात को 9 बजे के आसपास मैं अपने घर में घूम रही थी और सडनली मैंने मेन डोर ओपन करा और जो हमारे जो मतलब मेन डोर है उसके साथ में जो स्टेयर्स हैं उनके ऊपर ये लड्डू गोपाल जो है किसी ने उल्टे करके फेंक रखे थे. अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको दिख रहा हो इनकी जो आईज वगैरह है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और इनकी जो बॉडी है मतलब जो है उस पर बहुत ज़्यादा चोटें वगैरह लगी हुई है, मिट्टी वगैरह, मतलब हमने जितना कोशिश हुई अभी इनको साफ करा है. ये किसी ने इनको बिना कुछ पहने हुए कपड़े वपड़ों के फेंका हुआ था घर के बाहर. मैंने मम्मी को बुलाया. मैंने कहा मम्मी किसी ने ना लड्डू गोपाल फेंक दिया हमारे घर के बाहर. तो मम्मी और मैं आए, हमने देखा कि सीरियसली किसी ने लड्डू गोपाल फेंक दिया. और गाइज मतलब आई डोंट नो पीपल कैसे, कौन लोग हैं यार जो ऐसे काम करते हैं. एक्चुअली बात क्या थी, ये जो लड्डू गोपाल है इनका जो एक हाथ है, अगर आप देखोगे इनका जो एक हाथ है वो टूट गया है यहाँ से. इनका जो ये वाला हाथ है जिसमें लड्डू होता है वो टूट गया है. किसी ने आई डोंट नो किसने अपने घर से इनको निकाल के फेंक दिया होगा और ये हमें हमारी मेन डोर के सामने मिले. यार मतलब बात सारी ये है कि लोग ऐसा कैसे करते हैं. अगर आपके घर में अगर ऐसे किसी बच्चे का हाथ टूट जाएगा तो आप क्या उसको बाहर निकल के फेंक दोगे, मतलब हद है यार. हमने इनको उठाया. आप देखो कितने क्यूट है ये, कितने छोटे से है यार, एक बार देखना. हमने इनको उठाया. इनकी जो बॉडी है उस पर अभी बहुत ज्यादा लाइक रेतीली टाइप कुछ हो रखा है और इनका ये वाला जो हाथ है वो हम इनका रिपेयर करवा देंगे. चांदी का हाथ लग जाता है मम्मा कह रहे थे, तो वो रिपेयर करवा देंगे. और हमने इनको अपने घर में वेलकम करा है. ये मेरे घर के न्यू मेंबर हैं. और माधव, फाइनली माधव अब जो है वो बड़ा भाई हो गया है और ये छोटे भाई हो गए हैं. देखो यार सारी चीज होती है कि आप अगर मान रहे हो किसी को घर लेके आ रहे हो अगर मतलब जो लोगों ने रखे होंगे उन्होंने पहले पूजा करी होगी और इनका अगर कुछ हो गया है, हाथ बार टूट जाता है कभी कभार टूट गया है या जो भी हुआ है तो आप उनको घर से बाहर निकाल के फेंक रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए. या तो आप रखो ही मत या फिर रख रहे हो तो फिर अपने घर में रखो यार. जो भी है जैसा भी है हमारे घर के बारे में मिले तो हमने इनको वेलकम करा अपने घर में. और ये अब मेरे घर की न्यू मेंबर है. इनका जो इनका नाम रखा है वो नाम रखा है काना. और मेरे घर के बिग मेंबर को तो आप जानते ही हो. 1, 2, 3 हियर इज अ न्यू मेंबर माधव. माधव से हाय हाय कर दो व्लॉग में. हेलो एवरीवन. माधव को तो आप जानते ही हो. माधव का छोटा भाई आ गया और माधव फाइनली एल्डर ब्रदर बन गया है. ये न्यू मेंबर एंड ही इज माय लवली ब्रदर माधव. से हाय. हेलो, हाउ आर यू. ये थी स्टोरी. आइए अब अपना चैलेंज शुरू करते हैं. कौन सा चैलेंज में करने वाले हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड. वेलकम बैक गाइस. ये है मेरे दो स्पेशल गेस्ट. आज का चैलेंज मैं अपनी मम्मा
और अपनी बहन के साथ करने वाली हूँ। सो आज के चैलेंज में हम करने वाले हैं हु नोज मी बेटर। सो एक्चुअली मम्मा मेरे को बिल्कुल अच्छे से जानती है, एज यूजुअल सबकी मम्मा अपनी डॉटर्स को सबसे अच्छे से जानती है, बट इसका चैलेंज ये है, इसका कहना ये है कि मैं तेरे बारे में सबसे अच्छे से जानती हूँ। तो इसने ये चैलेंज दिया है, सो इसलिए मैंने ये चैलेंज सोचा है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। देखते हैं इन दोनों में से कौन मेरे को सबसे अच्छे से जानता है। पर कुछ सीक्रेट्स ऐसे भी होते हैं जो खाली सिस्टर्स के बीच में होते हैं, वो एक्चुअली अपने भाइयों को भी नहीं बताते हैं, ऐसी कुछ होती है। देखते हैं, देखो आइए हम चैलेंज शुरू करते हैं। तो मैंने अपने फ़ोन में सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं और मैं इनको क्वेश्चन बोलूँगी और जो आंसर देगा फर्स्ट उसको पॉइंट मिलेगा और जिसका आंसर सही होगा उसको पॉइंट मिलेगा। ऑन द स्पॉट आंसर देने का, और जो आंसर नहीं देगा उसका होगा जीरो। आंसर सेम है तो जो पहले देगा वही जीतेगा ना, आंसर तो ऑब्वियसली सेम ही होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, तो आइए शुरू करते हैं। मम्मा रेडी? रेडी। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माय फेवरेट कलर? येलो। आपको अलर्ट रहना है, ठीक है? ओके मम्मा, बी अलर्ट, ठीक है? सो येलो 1 पॉइंट, उन्होंने अपने पॉइंट्स काउंट करते रहना। मम्मी आप अपने पॉइंट्स काउंट करें, ठीक है? ओके, माय फेवरेट फूड? मटन। सो यस राइट आंसर इज मटर आलू। सो मम्मा 1 पॉइंट। ओके, एक ऐसी चीज जो मैं 24 घंटे कर सकती हूँ? सोना। मेरी बेइज्जती नहीं करनी है मेरे चैनल पे आगे, ठीक है? हम बेइज्जती करते हैं, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि सोना और सिर्फ सोना। हम सच बोलते हैं, ये राइट आंसर नहीं है, ये राइट आंसर है। तो यार राइट आंसर इज स्लीपिंग, बट मम्मा ने फर्स्ट लिया, कोई बात नहीं। दो सेकंड, दो पॉइंट, पर हमने आंसर सही दिया। मेरा ड्रीम प्लेस जहाँ मैं जाना चाहती हूँ? टर्की। मम्मा को भी पता था यार। सो टू पॉइंट्स, ठीक है। एक ऐसी चीज जो मुझे बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं थी? मम्मा यू हैव टू आंसर दैट। अरे मुझे कैसे पता होगा यार, बचपन की बात तो 20 साल की हो गई, इतनी बड़ी हो गई है, मुझे कैसे याद होगा यार। ये क्या होता है, बचपन में नहीं थी लेकिन अब पसंद है। अब पसंद है सोना, बचपन में पसंद नहीं थी। अच्छा नहीं थी, ओके आई गॉट इट। सो जो दीदी को बचपन में पसंद नहीं था पर अब है, वो है डांसिंग। डांसिंग वो भी, उसका भी एक रीजन है स्पेसिफिक, क्योंकि ठीक है इतना एलैबोरेट नहीं करना है, वो भी मैं बताऊंगी। मेरे से 6 साल बड़ी है, सो जब मैं छोटी थी ये मेरे को कभी कुछ नहीं सिखाती थी और अब ये मेरे को डांसिंग सिखाती है। आई डोंट नो व्हाई। सो 3 पॉइंट्स। मेरा ही लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट इन माय स्कूल बायोलॉजी, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। मैथमेटिक्स एक्चुअली मेरे को भी नहीं पसंद इसलिए। मेरे दोनों तालीम कैसी है? एक्चुअली मैथ्स इजी सबको पसंद नहीं होती है, मोस्टली नहीं होती। ओके वन मोर, सो बीचेस और माउंटेन? बीचेस, माउंटेन, राइट। मम्मा बीचेस, मुझे माउंटेन पसंद है क्या? मेरे को बीचेस पसंद है इसलिए। तो आपको मेरे आंसर्स दे रहे हैं बेटी, तो तुम्हें नहीं आ रहा है बीचेस? ये भी सही चीज है। आप हार रहे हो यार, उसके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरे 4 हो गए, उनके 3 है ना। एक ही आप अपने काउंट कर रहे हो, ठीक है। मेरी सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड का नाम? शिवानी। ज्योति दीदी, राइट। मम्मी ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी? अच्छा ज्योति। 6 बार क्या कर रहे हो यार, मम्मी वो जीत जाएगी यार। नहीं 5 हुए ना, हाँ 5-3। ओके, मेरा फेवरेट एक्ट्रेस का नाम? करीना कपूर। आई डोंट नो यार, मेरे को नहीं पता इन सब चीजों के बारे में। सो अभी मैं 3 पॉइंट से आगे हूँ, मेरे 6 हैं, उनके 3 है, ठीक है। फेवरेट चाइनीज फूड? स्प्रिंग रोल। ये मेरे को भी पता था। मम्मा 4, ठीक है। मेरी फेवरेट प्लेस? टर्की। नहीं, मेरी फेवरेट प्लेस कहाँ? दिल्ली में। या ऑब्वियसली हम यहीं रहते हैं ना।
दिल्ली में फेवरेट प्लेस? मम्मी छत के ऊपर। वैसे सही आंसर था ये भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम छत पर चढ़ाती है। घर के अंदर नहीं, मेरी फेवरेट प्लेस जहाँ मैं जाना पसंद करती हूँ, यूजली मैं चली जाती हूँ मौसी नानी के घर। ठीक है, द राइट आंसर इज, मुझे नहीं पता, स्कॉन। स्कॉन टेम्पल। दोनों को नहीं पता था, तो दोनों को नहीं पता था। ठीक है, फोर एंड सिक्स। ओके ओके, एक ड्राई फ्रूट जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। करेक्ट आंसर बोलो बेटा, ड्राई फ्रूट। किशमिश। या राइट आंसर ये है। सिक्स, कितने क्वेश्चन आते हैं अभी? थ्री मोर। ठीक है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरी बेस्ट फ्रेंड का नेम? ज्योति देवी, शिवानी। सिक्स एंड सिक्स। तो दो क्वेश्चन और हैं, अब देखते हैं, मे बी टाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ज्योति इज माय ओल्डेस्ट फ्रेंड, और शिवानी बेस्ट फ्रेंड, और शिवानी दीदी इसकी बेस्ट फ्रेंड। सो आगे चलते हैं, एक ऐसी चीज जो मैं कभी नहीं करना चाहती, खाना बनाना। ना, काम करना सारा। हाँ, सारे इतना पूरा काम करना। दोनों गलत। सही बोल रहे हैं हम, दोनों गलत। ये बात तो सही, किचन में जाने से इसकी नानी मरती है। अब ये तो झूठ बोलेंगे नहीं ना। मम्मी रोज नहीं बैठा। अब ठीक है, तो कितने हो गए? आंसर क्या है वैसे इसका? आंसर ये है कि खाना बनाना। गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो कितने पॉइंट्स हुए? आई मतलब कभी कभी यार, मैं यूजली रोज किचन में नहीं जा सकती। कितने पॉइंट्स हुए हैं? सिक्स सेवन सेवन सिक्स किसके में आपके मैडम आपके सेवन। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू, देखते हैं कौन जीतता है। ओके, वन टू थ्री स्टार्ट। अपना खुद का केबीसी बना रखा है और ये दोनों फोनो फ्रेंड करने वाले थोड़ी देर। सो मेरा फेवरेट क्या? मेरा फेवरेट क्या सॉन्ग? आई एम डैम श्योर इन दोनों को नहीं पता होगा। मैं तेरा बन जाऊंगा, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा। मैं तेरा बन जाऊंगा। सेवन सेवन टाई। एक ये बेबी क्वेश्चन, हम जीत गए। जीत तो गए, पर एक टाई ब्रेकर होना चाहिए फाइनल के लिए कि कौन जीता। अब वो क्वेश्चन दीदी खुद बताएगी हमें, इसकी लिस्ट में इतने क्वेश्चन तो देखते हैं अब क्या बचा। और कोई डिफिकल्ट तो सोचना पड़ेगा। तुझे ये भी पता था मेरा फेवरेट सॉन्ग ना? अरे इसलिए पता ही, क्योंकि इसकी रिंगटोन ही यही है। जब भी इसको फोन करो गाना बजता है तुझ पे ही तो। अच्छा, मुझे इंडियन ड्रेसेस पसंद है, ये ट्रेडिशनल? दोनों एक ही होती है मैम। ओ सॉरी, वेस्टर्न और ट्रेडिशनल? ट्रेडिशनल। आप क्या बोलते हो? मेरे हिसाब से तो वेस्टर्न। ट्रेडिशनल। और मम्मा जीत गई है, ऐसा हो जाता है। मॉम ऑलवेज विन। कोई बात नहीं, मॉम हमेशा राइट होती है। सो अब मेरा मन कर रहा है मैं इसको पकड़ के मार दूँ। उससे क्या होएगा? तुझे मैंने पहले कहा था, चैलेंज करने से पहले सोचना चाहिए किससे पंगा ले रहे हैं। सो ये था हमारा चैलेंज। आई होप यू गाइज लाइक दिस चैलेंज एंड एंजॉय दैट चैलेंज। और यस, एक चीज़ और, अगर आपको दीदी की और मम्मा के साथ और चैलेंजेस चाहिए और वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में, मैं और वीडियोस बनाऊंगी मम्मा के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड यस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इसको देख देख के वो भी सीख गई हैं, इसलिए वो भी बोल रही हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में अगले संडे। सो बाय 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 फ्रेंड्स।